दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी वैल्यू पहचान लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकती है। ये मेरी गारंटी है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर देखकर आप अपनी वैल्यू पहचानना सीख जाएंगे और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वहां पे दुनिया का बहुत बड़ा स्पीकर आने वाला था। सारे लोग उन स्पीकर महोदय की बात सुनने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। कुछ ही समय में वो स्पीकर वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी वैल्यू पहचानने से नहीं रोक सकती है। इसके साथ ही आप जीवन में तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना कह के स्पीकर महोदय ने चाय पीना शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर महोदय क्या करते हैं, 500 का चमचमाता हुआ एकदम नया नोट अपनी जेब से बाहर निकालते हैं और उस नोट को ऊपर कर देते हैं और सभी लोगों से जो हाल में मौजूद थे उनसे पूछते हैं कि ये 500 का नोट किसको चाहिए। तो भाई 500 का नोट किसको नहीं चाहिए, सभी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। इसके बाद स्पीकर महोदय बोलते हैं, इस 500 के नोट को मैं आप लोगों में से किसी एक को दूंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो अब यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद स्पीकर महोदय ने क्या किया, उस नोट को अपनी मुट्ठी में कस के दबा लिया और अच्छी तरह से मसल दिया, जिससे नोट पुरानी दिखने लगी और इसके साथ ही थोड़ा सा फट गई। इसके बाद ही उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके कहा कि अब बताओ इस नोट को किसको चाहिए, कौन लेना चाहता है। फिर भी भाई 500 की नोट है तो सभी लोग लेना चाहेंगे, तो सभी ने फिर से हाथ ऊपर कर दिए अपने। अब स्पीकर महोदय का मन और भी नहीं माना, उस नोट को क्या किया, जमीन पे गिरा दिया और अपने पैरों से अच्छी तरह से रगड़ दिए, जिससे कि नोट पर बहुत सारी मिट्टी लग गई। फिर भी उन्होंने हाथ ऊपर करके पूछा, बताओ अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा, तो सभी लोगों ने फिर से अपने अपने हाथ ऊपर कर दिए। अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिए। अब इस बार स्पीकर महोदय क्या करते हैं, नोट को फिर से जमीन पे गिरा देते हैं और उसको दोनों पैरों से अच्छी तरह से रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, उसके साथ ही ऊपर चाय भी गिरा देते हैं। इस तरह से नोट इतना गंदा हो गया कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया। अब उसको कोई भी देखता तो यही कहता कि यह एक गंदा कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कौन लेगा, ऐसा लोग सोचते। लेकिन फिर भी स्पीकर महोदय क्या करते हैं, उस नोट को उठाते हैं और पूछते हैं कि इस नोट को अब बताओ कौन लेगा। इस बार भी सबने अपने अपने हाथ ऊपर किए कि हमको चाहिए, मतलब लालच, वैल्यू नहीं देख रहे, क्योंकि लोगों को लगता है कि वह कितना भी गंदा पुराना नोट क्यों ना हो, लेकिन है तो वह 500 का नोट ना, किसी न किसी काम पे तो जरूर आएगा। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी कई बड़े बड़े झटके देती है। आप परीक्षा में फेल हो जाते हो, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, इसी तरह से जिंदगी हमें कई बड़े बड़े झटके देती है। आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका समय बुरा चल रहा होता, आप जिस सिचुएशन का सामना करते, आपको लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं, दूसरे लोग आपसे कहीं बेटर हैं, किसी काम के नहीं है, ना तो आपकी कोई वैल्यू है। एक बात या हमेशा याद रखना, आप सिचुएशन का सामना कितनी बार किए हो, आप कितनी बार जीवन में फेल हुए हो, लेकिन आपकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो और किसी के पास नहीं है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब तक सफलता भले ही न मिले, आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। अब भी आप अपने बारे में कितना लो फील कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना कि पहले मानते थे। अपने वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। इसी के साथ वीडियो को करता हूं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो या कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।